नामी मैगजीन को कंगना ने दी केस दर्ज करवाने की धमकी। पॉपुलर बॉलीवुड अवार्ड शो में नॉमिनेट किए जाने पर एक्ट्रेस भड़की। कंगना की धमकी और झूठे आरोपों के बाद मैगजीन ने भी लिया एक्शन, रद्द किया बेस्ट एक्ट्रेस के लिए कंगना का नॉमिनेशन। बॉलीवुड की धाकड़ एक्ट्रेस कंगना रनौत और विवादों का साथ कुछ ऐसा है जो छुटाए नहीं छूटता। आए दिन कंगना किसी न किसी विवाद में उलझी रहती हैं और ताजा मामला बॉलीवुड की एक पॉपुलर मैगजीन के साथ छिड़ी जंग का है। चलिए सबसे पहले तो आपको इस मैगजीन का नाम बता देते हैं। वो मैगजीन है फिल्म फेयर, जिस पर कंगना रनौत का गुस्सा फूटा है। ये तो सब जानते हैं कि पॉपुलर फिल्म मैगजीन हर साल बॉलीवुड में एक अवार्ड शो होस्ट करती है। फिल्म फेयर अवार्ड्स को बॉलीवुड का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है। अब आते हैं कंगना रनौत और फिल्म फेयर के बीच छिड़ी आरोप प्रत्यारोप की जंग पर। तो इस साल होने वाले अवार्ड शो के लिए कंगना को उनकी फिल्म थलाइवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, लेकिन मिस रनौत को यही बात रास नहीं आई। कंगना बरसों पहले ही बॉलीवुड अवार्ड शोज का बायकॉट कर चुकी हैं। ऐसे में फिल्म फेयर अवार्ड्स में नॉमिनेट किए जाने पर कंगना भड़क गईं। अपना गुस्सा कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी सेक्शन में एक पोस्ट शेयर करके उतारा, साथ ही फिल्म फेयर मैगजीन पर केस दर्ज करवाने की धमकी भी दे डाली। सुनिए क्या कहा था कंगना ने। मैंने साल 2014 में इस तरह की अनैतिक, भ्रष्ट और पूरी तरह से अनुचित चीजों पर बैन लगा दिया है, लेकिन इस साल मेरे पास उनके अवार्ड फंक्शन में हिस्सा लेने के लिए लगातार कई फोन आ रहे हैं। वे मुझे थलाइवी के लिए अवार्ड देना चाहते हैं। इस बात से मैं हैरान हूँ कि वो अभी भी मुझे नॉमिनेट कर रहे हैं। इस तरह की चीजों को बढ़ावा देना मेरी गरिमा, कार्यनैतिकता और वैल्यू सिस्टम के बाहर है, इसलिए मैंने मुकदमा करने का फैसला किया है। कंगना के इस पोस्ट के बाद फिल्म फेयर मैगजीन भी फौरन एक्शन में आ गई। फिल्म फेयर ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस के सारे आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया, साथ ही कंगना का नॉमिनेशन भी वापस ले लिया। फिल्म फेयर ने अपनी सफाई में कहा है कि एक्ट्रेस को अवार्ड दिए जाने के बारे में या इवेंट में किसी परफॉर्मेंस के लिए नहीं कहा गया था। इसके साथ ही फिल्म फेयर ने वो मैसेज भी शेयर किया है जिसमें एक्ट्रेस को सिर्फ नॉमिनेशन मिलने पर बधाई, अपना एड्रेस कंफर्म करवाने और अपनी उपस्थिति कंफर्म करवाने के लिए कहा गया था। इसके साथ ही फिल्म फेयर की तरफ से ये भी कहा गया है कि कंगना ने मैगजीन पर जो आरोप लगाए हैं वो झूठे और बेबुनियाद हैं। वो कंगना को फंक्शन में बुलाकर सभी फिल्म स्टार्स के साथ इंडियन सिनेमा को सेलिब्रेट करना चाहते थे। फिल्म फेयर ने अपने मैसेज में ये भी साफ किया है कि वो तब भी नॉमिनी को अवार्ड देते हैं जबकि वो फंक्शन में ना मौजूद हो और ना ही कोई परफॉर्मेंस दे। हालांकि फिल्म फेयर की तरफ से कंगना का नॉमिनेशन रद्द किए जाने के बाद भी कंगना का गुस्सा कम नहीं हुआ है। एक्ट्रेस ने एक और पोस्ट शेयर करके बताया है कि वो अभी भी फिल्म फेयर पर मुकदमा दर्ज करवाने के फैसले पर कायम है। साथ ही एक्ट्रेस ने मैगजीन को कोर्ट में मिलने की धमकी भी दी है। बता दें कि बॉलीवुड अवार्ड ऑर्गेनाइजर्स और कंगना के बीच छिड़ी ये जंग काफी पुरानी है। बात तब की है जब एक अवार्ड फंक्शन में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड क्वीन के लिए कंगना को नहीं बल्कि हैप्पी न्यू ईयर के लिए दीपिका पादुकोण को दे दिया गया था। उस दिन के बाद से ही कंगना ने बॉलीवुड अवार्ड्स का बायकॉट करने का फैसला ले लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।